सब कुछ है, फिल्म इंडस्ट्री है, क्योंकि मीडिया के बगैर कुछ भी नहीं है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस मूवी में काम करने का, क्योंकि इसके पहले मैं मनोज जी के साथ काम कर चुकी हूँ। इस पिक्चर के डायरेक्टर मनोज जी हैं, राइटर मोहन जी हैं, और मैं हीरोइन की माँ का रोल कर रही हूँ, और इसमें हीरो पृथ्वी सिंह है। दो हीरोइनें हैं। आजकल के ज़माने को देखते हुए इस फिल्म का कहानी है, और मतलब मैं अपनी मेरी दो बेटियां हैं उन लोगों को मैं ऐसा शिक्षा दे रही हूँ कि लड़का लड़की में कुछ फ़र्क नहीं है, आजकल के ज़माने के साथ चलना चाहिए। फिल्म का टाइटल है मेरे जीवन साथी जी। नाम हिंदी टाइटल है और फिल्म भोजपुरी में बन रही है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? नाम हिंदी है, नहीं अगर उसको मान ले कि भोजपुरी है तो भोजपुरी है, क्योंकि जीवन साथी तो भोजपुरी में भी सेम है और हिंदी में भी सेम है। बात करें फिल्म किस तरह से मिली आपको और माँ के किरदार के लिए आपने कितनी मेहनत की है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है, उसके बारे में बताना चाहिए। एक्चुअली माँ के रोल के लिए मैंने कोई मेहनत नहीं की सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि मैं डायरेक्ट हीरोइन से माँ के रोल में आ गई हूँ, और मैं मनोज जी के साथ पहले काम कर चुकी हूँ, इसलिए उनको मालूम है मैं क्या कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया, मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मैम आपके एज ए हीरोइन कौन कौन फिल्में आई और कौन कौन हीरो के साथ आई थी? मैं कुणाल जी के साथ दूल्हा दुल्हन, अब बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ घर गृहस्थी, झूठी बहू, और हिंदी मूवी रामगढ़ के शोले, आक्रांत, राजद्रोही, काफ़ी पिक्चर, घर में राम, गली में शाम, शोला शबनम, गोविंदा दिव्या भारती के साथ काफ़ी पिक्चर एज ए लीड एंड सेकेंड लीड दोनों किया है, और मैं हर लैंग्वेज की मूवी कर चुकी हूँ, हिंदी, बंगाली, भोजपुरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी एंड भोजपुरी। और मैम बात करें भोजपुरी में, तो भोजपुरी माँ के रोल में कौन कौन फिल्में, कौन कौन हीरो की माँ बन चुकी हैं भोजपुरी में? पवन सिंह की माँ बन चुकी हूँ, खेसारी की माँ बन चुकी हूँ, प्रदीप पांडे मतलब चिंटू जी उनका माँ बन चुकी हूँ, दिनेश लाल यादव के साथ काम कर चुकी हूँ, उनकी मम्मी माँ बन चुकी हूँ, और अक्षरा की माँ बन चुकी हूँ, आम्रपाली की माँ बन चुकी हूँ, मैंने बहुत सारा आगे कहना चाहेंगे। मेरा नाम सोनिया नेगी है, और जहाँ तक ये फिल्म की बात करूँ कि मेरे जीवन साथी, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, और जितना होएगा मैं इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से करूँगी और बहुत मेहनत करूँगी इसके लिए मैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो आप कुछ कर चुकी हैं भोजपुरी या? जी 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 बिल्कुल, मैंने 3 मूवी हिंदी की है, एक वादियाँ, सुदेश बैरी और मिलन गुना जी उसमें है, और डेंजर नाइट और झटका ज़रूरी है। काफ़ी अच्छा उसमें मैंने सपोर्टिंग कैरेक्टर किया, डेंजर नाइट में मैंने सेकेंड लीड उसमें भी किया हुआ है, बहुत हॉरर मूवी है बस वो। इस फिल्म की पूरी टीम को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह शुभकामनाएं दें डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में? मेरी तरफ से ये फिल्म सबको मतलब शुभकामनाएं है और काफ़ी अच्छी जाएगी मैं तो कह सकती हूँ, बस इतना ही। आने वाला कोई प्रोजेक्ट है आपका? अभी तो कोई नहीं, बस होएगा तो बताती हूँ। ओके क्या कहना चाहेंगे सर? पहले आपका नाम और आज फिल्म का मूड थोड़ा क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम मनीष दुबे है। फिल्म के बारे में जहाँ तक लेके बताना चाहूँगा कि बहुत ही प्यारी फिल्म है, और सबसे ज़्यादा योगदान इसमें हमारे मनोज भैया का है, और भी पूरी टीम का साथ है, मतलब सबने मेहनत की है लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान मनोज भैया का है, और बहुत ही प्यारी फिल्म है, और फिल्म की जितनी भी सराहना की जाए कम है, ज़्यादा करके मतलब इसे हमारा जो अहम रहा है इस फिल्म के पीछे कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के प्रति मतलब ज़्यादा करके इस
फिल्म मतलब फिल्म को महिलाओं के प्रति ज़्यादा महिलाओं को मतलब ज़्यादा हमें ऑडियंस जो है महिलाओं के प्रति दिखाना है महिलाओं को। तो ये फिल्म जो है पारिवारिक फिल्म है, कुछ भी इसमें फुहर पातर जो भी आजकल भोजपुरी में कुछ लोगों ने मार्केट ख़राब करके रखा है, बस एक छोटी सी हमारी सोच है कि इस फिल्म को किसी तरह अच्छी तरह करके भोजपुरी सिनेमा जो पर्दे पर लगती है महिलाएं बहुत कम जाती हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी वही बात है सर, वही कह रहे हैं कि जो महिलाएं क्यों नहीं जाती हैं, इसका कारण यह है कि आजकल जो भोजपुरी फिल्में कुछ लोगों ने इसमें इतना फूहरपन कर दिया है कि अगर देखा जाए तो बाप बेटा साथ में बैठ के नहीं दे सकते, और बेटी बाप मतलब कोई भी फैमिली का सदस्य ऐसा नहीं कि सब लोग साथ में बैठ के देख सकें। बस यही एक छोटी सी हमारी सोच है कि किसी तरह कि जो चीज़ हटते जा रहा है मार्केट से, बस उसी को एकजुट फिर से दिखाना है। मतलब हमें ये पूरी तरह से क्लीन फिल्म है, और आप सबसे अनुरोध है कि इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, आगे और भी बहुत कुछ है। सर आप अपना नाम बताएं और आप करेंगे आप बताइए। सबसे पहले सबके नमस्कार करें चाहे प्रणाम। ये मेरे जीवन साथी मनोज जी का ही डिज़ाइन किया हुआ मूवी था, वन लाइन स्टोरी उन्होंने ही दी थी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसका डायलॉग स्क्रीन प्ले मैं कर रहा हूँ। फिल्म में खासियत ये है कि आज के डेट में लोग बोल देते हैं कि जैसा भोजपुरी गाने सुन लीजिए, भाभी देवर का फुहरता बताया जाता है। फिल्म से सिर्फ इतना बताने का कोशिश किया जा रहा है कि जैसे रामायण में सीता और लक्ष्मण थे, आज भी वो हैं हमारे वहाँ, वही कल्चर है। इसके समझ को लोगों ने भुला दिया है, वही याद कराने के लिए ये फिल्म है। मेन थीम ये है इस फिल्म में। इसमें पूरे कलाकार की बात करें तो कौन कौन कलाकार नजर आएंगे, हीरो हीरोइन कौन होंगे इसमें? पृथ्वी सिंह जी नज़र आएंगे, वो हस्बैंड बनके, जो हस्बैंड कहिए और एक दामाद कहिए, बेहतर दामाद, जो इस फिल्म के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लादा बदलाई जिसे कहते हैं, शादी के बाद लड़की का घर बदल जाता है। इस फिल्म में पृथ्वी जी ये बताने वाले हैं कि सिर्फ लड़की का लादा नहीं बदलाता, लड़की का घर नहीं बदलाता, एक लड़के का भी घर बदली होता है। जिस तरीके से कर्तव्यनिष्ठ होके एक लड़की ससुराल में आती है, वैसे ही कर्तव्यनिष्ठ होके एक दामाद भी, दामाद को भी कर्तव्य पालन करना चाहिए अपने सास ससुर के साथ, वो परिवार भी इसका अपना परिवार होता है। दूसरे कैरेक्टर में मनीष जी हैं, मनीष दुबे, ये काफ़ी अच्छे हैं, पहले काफ़ी कुछ छोटे छोटे काम कर चुके हैं, अभी यहाँ पे इनका छोटा भाई का किरदार निभा रहे हैं, जो दर्शाएंगे कि प्यार मोहब्बत के अलावा भी रिश्तों को मॉडर्न तरीके से भी कल्चर को कैसे संभाला जा सकता है। थैंक यू, बस थैंक यू सर। आप अपने बारे में बताइए, आपका दो भाई का प्यार क्या होता है, हम दिखाएंगे भोजपुरी दर्शक को और पूरे दुनिया को कि दो भाई का प्यार क्या होता है। मैं ये लाइन बोलना भूल गया था कि वो प्यार जो हम भाई लोग भूल चुके हैं, जो आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, उस चीज को कितनी प्यार से हम लोग दिखाएंगे, जो कि उम्मीद है कि अपने अपने घरों में भाई का प्यार बना रहे, इस मतलब फिल्म के माध्यम से दिखाने की कोशिश रहेगी हमारी कि इतना अच्छा। और मनोज जी का बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस पिक्चर में मुझे लिया उनका। इसमें आपकी हीरोइन कौन है? श्रेया पांडे जी, इनके अपोजिट वर्क कर रहे हैं। श्रेया मिश्रा जी, कैसे केमिस्ट्री रहने वाली है पृथ्वी जी श्रेया मिश्रा के साथ आपकी? अभी तो फिलहाल उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन एक कलाकार होने के नाते कलाकार को तो एक कलाकार ही समझ सकते हैं, बाकी जोड़ी अच्छी रहेगी। ये और आप लोग से दुआ है कि आशीर्वाद दीजिएगा उस जोड़ी को। और शादी करने जा रहे हैं, अच्छी है। और मेरे जीवन साथी, इसके निर्मित्री हैं जयंती देवी और निर्देशक है मनोज भास्कर। इसमें आप क्या रोल कर रहे हैं? हम अपना एक्टर के दोस्त का रोल कर रहे हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम सोनू राजभर है, हम यह फर्स्ट टाइम पिक्चर में काम कर रहे हैं। हमारा पिक्चर का नाम है मेरा जीवन साथी है, और ये पिक्चर आने वाले में बहुत अच्छा पिक्चर है, और हमें विश्वास है कि हमारी जनता हमें ज़रूर प्यार देगी, और हमें जनता से यही गुजारिश है कि
हमें आपका प्यार दीजिए और इस पिक्चर को अवश्य आप देखिए। सर आपका नाम? हमारा नाम लक्ष्मण दुबे है, मनीष हमारे बच्चे हैं, इस फिल्म में काम कर रहे हैं प्रोडक्शन। अभी यही मेरे को देखने के लिए लेके आए थे कि मैं इसमें काम कर रहा हूँ जीवन साथी में, तो पापा चल के थोड़ा आप आशीर्वाद दीजिए। तो और ऐसा करके आशीर्वाद दे रहे हैं आप? हो गया अपने हमारे हिसाब आशीर्वाद हमारा ये कि सब आगे की ओर बढ़े, अपना अच्छा कार्यक्रम करें, अच्छा प्रोडक्शन करें, यही हमारा आशीर्वाद है। भाई आपका नाम क्या है? पहली बात तो हाथ जोड़ के प्रणाम। सहावरा यादव और ये मेरे जीवन साथी, इसमें पहली बार मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ। छोटा सा एक्टिंग है। और प्यारे भाइयों जो कि इसे देखें और अपना आशीर्वाद दें, बस इतना ही आपसे निवेदन है। और किस तरह किरदार है आपका इस फिल्म में? हाँ, सबसे पहले हम सभी भोजपुरी भाई लोग को नमस्कार करते हैं। पिक्चर हमारे मनोज भाई का है, मनोज भास्कर जी का, जो बहुत अच्छी पिक्चर है जिसमें हमारे भाई क्या नाम है इनका, पृथ्वी जी का सीन है जो उसमें हीरो का रोल किए हैं। फिल्म बहुत अच्छी है, मेरे जीवन साथी। उसमें क्या रोल कर रहे हैं इसमें? उसमें हम लोग का सीन है, कुछ कॉमेडी सीन है, कुछ विलन सीन है, और जो सीन रहेगा अच्छा ही रहेगा। आपका क्या सीन है, कॉमेडी कर रहे हैं कि? नहीं, मेरा तो विलन का है। कितनों को तोड़ फोड़ रहे हैं इस फिल्म में? फिल्म में तो जितने मिलेंगे उतने तोड़ेंगे। भाई आपका नाम क्या होगा? आपका नाम बताइए। मेरा नाम है सिंगर डब्लू राजा। क्या करते हो आप? मैं तो सिंगर हूँ सर। इस फिल्म में क्या कर रहे हो आप? इस फिल्म में मैं छोटा भाई का काम किरदार कर रहा हूँ। किसका छोटा भाई? बने पृथ्वी सिंह का। किस तरह से आप निभाने वाले हो अपना रोल? सर ये तो फिल्म में मैं अच्छी तरह से गाना तो गाओ। गाना गाओ, कम से कम गाना गाओ। देखिए मैं अभी होली का मैं निकाला पवन सिंह का ट्रिप। अरे सैया हमार हमें बांस के ड्राइवर, हूँ देवर चलावे रेलगाड़ी हो सरकारी सरकारी, सिंह नहला देखावे पारा पारी हो सरकारी। यही करके मैं समाप्त करता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? जी मैं जालंधर राजभर हूँ और मैं सिंगर भी हूँ, और इस फिल्म में कॉमेडी रोल है हम लोगों का। और हमारे बड़े भैया मनोज भास्कर जी हैं, पृथ्वी भैया हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा दुलार प्यार मिला है। और अब भी गाना सुना दीजिए आप। जी मैंने एक एल्बम गाया था, एक लड़की से प्यार हो गई रोहिने गोले बनी की रहले बराती गईल, ये बो लड़की से प्यार हो गईल, रहले बराती गईल, ये बो लड़की से प्यार हो गईल, प्यार हो गईल हो भैया प्यार हो गईल, रहले बराती गईल, ये गो लड़की से प्यार हो गईल, रहले बराती गईल, ये गो लड़की से प्यार हो गईल। थैंक यू सर। स्टोरी नया आई बड़ुए, ना हिंदी में ना भोजपुरी में, एकदम नया लेके आओ तन आदमी। आई फिल्म में ऐसा बड़ुए कि मेरे जीवन साथी के कि घर में सब फैमिली साथ एक साथ बैठ के देख सकत अड़ुए। आजकल के भोजपुरी के जो भी पिक्चर आता ऐसा बड़ुए कि घर में सला वो माई बैठत या तो बहन के बैठत, बहन बैठत या तो माई के बैठत, पापा बेटा एक संगे बैठ के देख नहीं पा सकत। मगर ये हम कॉल चाहते हैं कि फिल्म अभी नया मैटर में आवत अड़ुए, सब कोई फैमिली घर में बैठ के देख सकता है एक सब। ये कह के हम थैंक यू कहते हैं। मेरा नमस्कार दर्शकों को, और मैं इस समय सॉरी कलाकार को नमस्कार बोल दिया मैंने तो, इसीलिए बोला। सभी भोजपुरी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं इस मेरे जीवन साथी एक नई पिक्चर है जो बहुत अच्छी पिक्चर बन रही है। मेरे साथी मनीष इसमें हीरो हैं और उनके साथ काम करने का काफ़ी टाइम मुझे थोड़ा बहुत तजुर्बा है। अभी और अच्छा काम करना है और एक अच्छी पारिवारिक फिल्म बना रहे हैं हम लोग, काफ़ी अच्छे तरीके से सभी को देखने लायक है। घर में परिवार सभी देख सकते हैं, दोस्त भाई हमारे देख सकते हैं। और बस आपका नाम बताइए और आप क्या कर रहे हैं? नाम ना बताओ, नाम बताओ, नाम बताइए सर। जी
पहले से भोजपुरी बहन के नमस्कार। हमारा नाम सुरेश अमरनाथ पाल है। हम इस फिल्म मेरे जीवन साथी फिल्म में एक सपेरा का करेक्टर कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा करेक्टर है। और वह सपेरा मणि को ढूंढते ढूंढते पूरी फिल्म में मणि को ढूंढता है और बाद में अंत में पाता है, ये हमारा करेक्टर है। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूँगा कि यह जो पिक्चर है, ये आम आदमी जो कि अपने बहन के साथ, भाई के साथ, माँ के साथ बैठ करके देख सकता है, ऐसी भोजपुरी फिल्म में, इस भोजपुरी जगत में ये पहली बार ऐसी फिल्म आ रही है जो पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, बिना संकोच बैठकर पिक्चर को देख सकते हैं। यह पिक्चर इस आज के मार्केट में बहुत आगे जाएगी, यह शुभकामना देते हुए मैं सबका धन्यवाद। फिल्म डायरेक्टर माननीय मनोज भास्कर जी को मैं यही चाहता हूँ कि इस फिल्म को इतने अच्छे से फिल्माएं, ताकि अभी तक ऐसा कोई भोजपुरी जगत में कोई फिल्म न बनाया हो और न फिल्मांकन किया हो, ऐसा उनको फिल्म को फिल्मांकन करें। इसके लिए मैं उनको परमेश्वर से निवेदन करता हूँ, उनको ऐसा आशीर्वाद, इतनी ताकत दें कि अच्छी से अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करें। थैंक यू। सर, मेरा नाम खुशी शर्मा है और मैं इसमें सहेली का कैरेक्टर कर रही हूँ। और ये फिल्म जल्दी चालू होने वाली है। और ये सॉरी सर, बोलते रहे, बोलते रहे। मुझे इसके बाद भी फर्स्ट टाइम गाना चाहिए। ये मेरे जीवन साथी का मुहूर्त है, किस प्रकार का किरदार है आपका, उसके बारे में बताइए थोड़ा। सर, मैं इसमें एक सहेली का कैरेक्टर निभा रही हूँ और मेरा नाम खुशी शर्मा है और ये मूवी मेरी मूवी का नाम है जीवन साथी और आज इस मूवी का आज मुहूर्त हुआ है। और सर, इस मूवी का शूटिंग जल्दी चालू होने वाली है। आप क्या रोल कर रहे हैं इसमें? सर, मैं इसमें सहेली का कैरेक्टर कर रही हूँ। डायरेक्टर प्रोड्यूसर बारे में क्या कहोगे? सर, बहुत अच्छे वो लोग काम करते हैं। और मैडम, आपका नाम बताइए। मैं सबसे पहले नमस्ते कहना चाहूँगी हर सबको। मेरा नाम है सपना पटेल और मैं इस मूवी में मेरे जीवन साथी, उसमें मैं हीरोइन की फ्रेंड का करेक्टर कर रही हूँ। और आप सबसे विनती है कि प्लीज़ इस मूवी को आप देखिए। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है इसमें, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सब हमारे पूरे टीम ने। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, ये मूवी बहुत अच्छी है और बहुत जल्द आप लोगों के सामने हम लेके आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप सबसे विनती है कि आप सब दुआ कीजिए और ये मूवी हम सब खूब मेहनत करके बहुत अच्छे से हम लोग उसको बना रहे हैं। आप सब भी, सबकी दुआ और आशीर्वाद हमारे साथ रहे और जल्द से जल्द हम उसको आपके सामने। मेरे जीवन साथी, अभी आज पहला गाना मेरा रिकॉर्ड होने वाला है, आइटम सॉन्ग है, मदहोश करके लिरिक्स है, कुमार रवि जी ने लिखा हुआ है और कंपोज किया है हमने। किससे गवाने वाले हैं आप? ये अलका झा जी, हमारे बहुत पसंदीदा सिंगर हैं, उन्हीं से। डायरेक्टर प्रोड्यूसर बारे में क्या कहेंगे? डायरेक्टर मनोज जी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे करेंगे भी। कुल कितने गाने हैं इसमें? शायद 5-6 गाने होंगे, 5-6 गाने जाएंगे। ओके, थैंक यू। सबसे पहले सभी दर्शकों को हमारा अलका जी का नमस्कार है। मेरा नाम अलका झा, सिंगर, और आप सब मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं। बहुत सारी फिल्में आप सबकी दुआ से मार्केट में, और अभी लेटेस्ट जो है वो सत्या है, जिसको आपने बहुत आशीर्वाद दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा लुलिया के साथ बहुत आशीर्वाद मिला है। दादा 30 तारीख को पढ़ा और आज मतलब कि 10 लाख व्यूवर्स हैं, तो आप सबका प्यार इसी तरह मिलता रहे, बस यही कामना करती हूँ। अलका जी, बात करें आज जिस फिल्म को मुहूर्त हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत सारी ब्लेसिंग है, मेरे जीवन साथी बहुत ही प्यारा नाम, और आई थिंक फिल्म भी बहुत अच्छी होगी। और जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब मनोज जी ने बताया कि पारिवारिक फिल्म है, जिसे सभी बैठ कर एक साथ देख सकते हैं, तो आई विश कि सुपर हिट हो। और पृथ्वी जी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, जो इस फिल्म के हीरो हैं। थैंक यू सो मच। कितना गाना गाने वाले हैं आप? अभी तो फिलहाल एक ही गाना गाने वाली हूँ, जो आइटम सॉन्ग है। ज़्यादातर लोग मुझसे आइटम सॉन्ग ही गवाते हैं और अभिषेक जी ने भी मुझे आइटम सॉन्ग ही दिया है, तो इसके लिए बस वही कोशिश करूँगी निभाने की, बाकी तो। मैम, जो आपका ये सत्या पिक्चर जो गाना हिट है, 2 लाइन हम सुनना चाहेंगे आपसे। सर, डुएट सॉन्ग है पवन जी का और मेरा,
कि लुलिया मांगे ले लुलिया का मांगे ले आए हाय लुलिया मांगे ले लुलिया का मांगे ले लुलिया तहरा जैसन लो मोहर भतार मांगे ले लुलिया तोहरे ऐसन लो मोहर भतार मांगे ले। थैंक यू सो मच। थैंक यू अलका जी। बात करें आज जैसे कि मेरे जीवन साथी का मुहूर्त है और यहाँ पे आपके जीवन साथी नहीं है तो चाहेंगे आइए आइए जी। बिल्कुल जीवन साथी का तो भाई फिर से अच्छा रोल फिर से जी एक्शन थी वो तो फिल्म का टाइटल नेम है और मेरे जीवन में भी मेरे जीवन साथी का बहुत बड़ा हाथ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे जीवन साथी जी का ही हाथ है और आज मुंबई में भी हूँ तो यही मुझे लेकर आए हैं क्योंकि शादी के बाद अगर एक लड़की को सपोर्ट ना मिले अगर हस्बैंड का तो आई थिंक कोई और खास तौर से इंडस्ट्री में तो लोग बुरा मानते हैं ससुराल वाले अरे गा रही है तो एक लेकिन फिर भी मुझे सपोर्ट पूरी फैमिली का मिला है और खास तौर पर जीवन साथी जी का। क्या कहना चाहेंगे जितेंद्र जी? सबसे पहले अपना परिचय दर्शकों को दीजिए। जी हाँ मैं हूँ जितेंद्र झा और अपने लिए गाता हूँ एक्टिंग करता हूँ और जो मुझे सुन रहे हैं मुझे देख रहे हैं तमाम मीडिया के लोग हैं रामचंद्र जी तमाम जो लोग उपस्थित हैं सबको थैंक्स जो अलका जी को प्यार देते हैं। ठीक है मेरा जो कर्तव्य था मैंने किया और जब तक हुनर ना हो आदमी आगे नहीं बढ़ता। लाखों लोग आज फिल्मी दुनिया में टहल रहे हैं साल दो साल चार साल चल जाते हैं घर लेकिन अलका ने काफ़ी मेहनत किया मेरे सपोर्ट के साथ साथ और मीडिया का ही काफ़ी सपोर्ट रहा है गीत को यानी कि अभी लुलिया जो हिट हुआ है 3 दिन में अगर 15 लाख लोगों ने देखा है 20 लाख लोगों ने देखा है तो बड़ी बहुत बड़ी बात होती है। चलिए मैं तो फिलहाल अपने लिए गाता हूँ एक मेरा सैड सॉन्ग अभी एक तो गाया हूँ मैं उसका 2 लाइन में सुना देता हूँ। बड़े जीवन में दुखी हो गए हैं नहीं लोग कहते कि सैड सॉन्ग काफी पसंद है बीवी आने से ही होता है दिक्कत ये होती है ना जब तक गर्लफ्रेंड रहती है तब तक इंसान बहुत खुश रहता है ऐसी कोई बात नहीं है हर आदमी का चॉइस होता है तो जी 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 तो मैं गा देता हूँ। कैसे मैं भुला दूँ तुझको रात वो अधूरी है कैसे मैं भुला दूँ तुझको रात वो अधूरी है ये लाइन मुझे एक लाइन याद था मैं गा देता हूँ फिलहाल अभी पूरा माइंड उतर गया है इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा और अभी भी जो आ रही है इसको तब सुनिएगा आपको मजा आएगा। इंद्र माशलकर है मैं न्यू बॉम्बे से हूँ। मेरा नाम विनोद मस्के मैं भी बॉम्बे से न्यू बॉम्बे से आयरली। किस तरह किरदार है आपका इस फिल्म? हम लोग इस मूवी में एक नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं दोनों भी तो और मूवी का नाम तो मालूम है। जैसे कि फिल्म भोजपुरी है आप महाराष्ट्र से हैं तो कुछ क्या तैयारी की आपने? नहीं कुछ नया करने को मिल रहा है इसमें तो हम लोग को अच्छा है भोजपुरी में काम करें फर्स्ट टाइम हम लोग मराठी में तो अच्छा लग रहा करके पृथ्वी सिंह है हम अपना सर है बी मोहन सिंह है वो भी अच्छे हैं। इसके पहले आप लोगों ने कोई फिल्म में काम किया कुछ? नहीं हमने अभी तक शॉर्ट मूवी की हम लोगों ने और कुछ सीरियल में छोटे मोटे काम किए जो ग्रह पेट्रोल ने किया इसलिए हम लोग कर रहे हैं सीआईडी में किया और तारक मेहता है उसमें भी हम काम किए। कि पूरी टीम को क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे आप जो फिल्म का मुहूर्त है? फिल्म का मुहूर्त है इसके ऊपर हम एक ब्लेसिंग ऐसा देना चाहेंगे कि शूट तो अच्छी तरह से होगा जब फिल्म रिलीज होगी तो अच्छे से प्यार दे और सब लोग जाके थिएटर में मूवी देखे यही ब्लेसिंग है हम लोगों। थैंक यू। मेरा नाम मनोज भास्कर है। सबसे पहले सभी दर्शकों को सादर मेरा नमस्कार और सभी जैसे कि आप पहले भी मुझे प्यार दुलार देते आए हैं वैसे देते रहिए। फिल्म के बारे में बताना चाहेंगे सर मुहूर्त है मेरे जीवन साथी क्या अलग होगा? सर मैंने इस फिल्म के बहुत अलग ही सोचा मैंने अभी तक भोजपुरी में जो भी आ रही है फिल्में भाई बहन के साथ नहीं देख सकती बहन भाई के साथ नहीं देखते माँ बाप के साथ फिल्में नहीं देख सकती है तो मैं इस फिल्म को बहुत अलग ही कॉन्सेप्ट बनाया हूँ पारिवारिक फिल्म है फुल रोमांटिक है। कलाकारों के बारे में जानना चाहेंगे कौन कौन से कलाकार नजर आए? कलाकार हैं पृथ्वी जी जो इसके पहले भोजपुरिया नायक किए युद्धभूमि किए तहलका किए 8-9 फिल्में की हैं जो रिलीज हैं उनकी उसके श्रेया मिश्रा है मेन लीड में सोनिया नेगी है। दर्शकों से कहना चाहूँगा कि सभी लोग इस फिल्म को देखें तो आपको कुछ अलग ही दिखेगा ऐसा नहीं सोचे कि ये फिल्म में
ऐसा है कि मैं अपने बहन के साथ नहीं जा सकती, अपने भाई के साथ नहीं जा सकती हूँ, या अपने माँ बाप के साथ नहीं सकता, सभी लोग जाके देख सकते हैं इस फिल्म को। गीत संगीत की बात की जाए तो क्या कहेंगे? गीत संगीत बहुत अच्छे हैं, जिसको फरिंदर राव, अशोक सिन्हा, श्याम जी श्याम ने लिखा है, बहुत अच्छे गीत है और गीत में कोई वर्गल्टी नहीं है।